स्थिति कितनी खतरनाक है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बीमारी ने सिर्फ जान ही नहीं जहान भी छीन लिया है। आलम यह है कि लोगों पर जिंदगी बचा पाने, खाने और कमाने का संकट खड़ा हो गया है। लखनऊ में संगीत से जुड़े कलाकार परेशान हैं, क्योंकि कोरोना ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। ना जाने कैसी बीमारी आई कि सिसक रही हैं सरगम की सहेलियां, दुखों में आकंठ डूबी हैं आलाप की अप्सराएं, तड़प उठा है सरगम का संसार, रूठी हुई हैं रुबाइयां, रूठा हुआ है ताल कहरवा, रूठा हुआ है राग विहाग, रूठ गई है भैरवी। ऐसे कोरोना काल में कैसे चुने अच्छी धुने, संगीत से जुड़े लोग परेशान हैं, कुछ सूझ नहीं रहा कि अब जीवन यापन कैसे करें। आज की स्थिति की बात अगर आप करते हैं तो आज की स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी है। वो काफ़ी कलाकार तो अपने संज्ञान में ऐसे हैं जिनके लिए तो जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है भाई साहब, और अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी समय में ये गीत संगीत से लोग दूरी बनाना शुरू कर देंगे। हारमोनियम वादकों की स्थिति फाका कशी वाली है, तबला वादकों के हाथों से पड़ने वाली थाप थमी हुई है, जम गया है दर्द सीने में, कहीं से कोई तो हो उपकार, कुछ तो करे सरकार। आज स्थिति ऐसी है कि जो कभी सोचा ही नहीं था, और हम लोग बिल्कुल घर पे बैठ गए हैं, कोई काम नहीं है, ना सरकारी ना प्राइवेट, कोई काम नहीं रह गया है। तो हम तो यही आशा करते हैं सरकार से कि हम लोग की सुध ले, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या लीड बजाने वाले जितने भी संगत कलाकार हैं उनकी दशा तो बहुत ही खराब हो गई है। ये वो कलाकार हैं जो अलग अलग मंचों पर अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों में शानदार काम करते थे। यही कार्यक्रम और इनकी यही संगीत की विद्या इनका रोजगार थी, मगर कोरोना ने इनका सब कुछ छीन लिया है। इसके लिए कैसे सामना कर रहे हैं तो दिल ही जानता है या हमारा परिवार जानता है, और हमारे जो सहयोगी हैं म्यूजिशियन हैं उनका कैसे चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा अधर्म है, ना हम अपनी तकलीफ किसी को बता पाते हैं और ना उसका कुछ सुचारू रूप से, सारे काम बंद हो चुके हैं। ऐसे महीने में रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, हम आकाशवाणी से हैं और उनके साथ रिकॉर्डिंग में संगत, बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत की, लेकिन सब कुछ इस समय लग रहा है कि बंद हो चुका है। ये कलाकार लखनऊ में आलमबाग, आशियाना क्षेत्र और विराट नगर में रहते हैं, लेकिन इनके जैसे हजारों बड़े संगीत के धनी इसी लखनऊ में रहते हैं। नजाकत और नफासत जिनके दम पर जिंदा है, वहीं इनके मरने की स्थिति आ गई है। कोरोना ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।